हेलो गाइस, मैं आपका अपना चैनल तिवारी क्लासेस HM में आपका स्वागत है। आप देखते रहिए पूरी वीडियो, इसकी मत करना। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, वरना कुछ न करना। आज के लिए आपका बहुत बड़ा सरप्राइज, मतलब तोहफा मिल रहा है आपको। 30 नंबर हाई स्कूल वालों के लिए पक्का, झोली में उनकी पड़ चुका समझ लीजिए हमारी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो करना क्या मेरे दोस्त, इस वीडियो को आप पूरा देखना है, स्किप मत करना। ठीक, रही बात क्या कैसे क्या करना, देखो जीवन परिचय में आपको क्या क्या याद करना है। जीवन परिचय तो बहुत है किताब में, बट याद क्या करना है ये देखिए। ठीक, तीन बताएंगे वो आसान विधि देखिए क्या करना है। लिखा कक्षा 10 के लिए 30 नंबर पक्का, कक्षा 10 वालों के लिए 30 नंबर पक्का। क्या है जीवन परिचय? जीवन परिचय में सबसे पहले क्या करना है आपको, जयशंकर प्रसाद का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार आता है। ठीक, इसके कोई कल्पना है कि हर बार आता है जयशंकर प्रसाद का, मतलब 19 में भी आया, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, है ना, 24 की संभावना पाई जाती है, जो कि आप आने के चांसेस पड़ गए हमारे ख्याल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी क्या आ जाएगा, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 डाटा है ना, इसका भी 19 में आया, 20 में आया, 21 में, 22, 23 है ना, मतलब 22 में नहीं आया था, 23 कुल मिला के एक साल नया। कहने के तात्पर्य जयशंकर प्रसाद सबसे जरूरी है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर बार पूछा जाता है। ठीक, ये इतना जान लीजिए कि हर बार पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आएगा तो आएगा। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, बाद इसके करना क्या, इसमें याद कैसे करना ये बता रहे हैं। देखिए आप, जयशंकर प्रसाद पेज तक आपको याद कर लेना है, किसका, जयशंकर प्रसाद का। फिर क्या करना है, दूसरा नंबर किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मात्र आधे पन्ने में आपको याद करके जाना है। अगर जयशंकर प्रसाद का नहीं आया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख देना, मतलब याद करना है दोनों। ठीक, इसके बाद आता है सूर्य तुलसी बिहारी, जो दूसरा है ना, कवि दो के कहना, तो सूर्य तुलसी बिहारी ये है बोर्ड परीक्षा में भारी, इतना जान लीजिए। सूर्य तुलसी बिहारी ये बोर्ड परीक्षा में है भारी, ये हर बार आता है। हाँ जी, आप सूर्य तुलसी बिहारी ये बोर्ड परीक्षा में है भारी, और याद करना आपकी जिम्मेदारी है ना। तो देखो सब बातें इसमें बन रही है, आपकी जिम्मेदारी है याद करने के लिए। ठीक, क्योंकि ये जो तीन क्वेश्चन है ये 100% हर बार पूछा जाता है, यही तो इसकी खूबी है, तीनों के तीनों हर बार 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 पूछा जाता है। ये 100% मैं कह रहा हूँ कि बार बार आता है भाई, बार बार, मानो मानो बार बार आएगा। ठीक, तो आपको याद करना है सूरदास तुलसीदास बिहारी, और ये सब क्या है, बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैंने एक ट्रिक से बोल दिया, सूर्य तुलसी बिहारी यूपी बोर्ड परीक्षा में भारी, और याद करना आपकी जिम्मेदारी। ठीक, अब याद करो या ना करो ये कोई तुम्हारी मजे है, मन की जिम्मेदारी, कोई तुमको याद करना पड़ेगा। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों मिला के कम से कम 12 नंबर या कम से कम 6 नंबर का तो होगा। ठीक, 6 नंबर आपका पक्का। अब इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं उसमें क्या होगा। ठीक, कुल मिला के आपको इसमें 30 से 40 नंबर पक्का हो जाएगा। हाँ, तो मैं रस के बारे में बात करना चाहता हूँ, रस छंद अलंकार। देखिए रस छंद अलंकार क्या है, रस आपको कौन याद करना है ये जरूरी है, 2-2 नंबर के हैं, 2 तिहाई 6 है ना, एक एक क्वेश्चन आ गया है तो हाथ से तो करो रस। मैंने दो इसलिए लिखा कि आपको दोनों याद करके जाना, क्योंकि बार बार आप पेपर नहीं देते हैं ना, बार बार रिजल्ट बनता है ना, आपको दोनों इसलिए याद करके आना है क्योंकि आसान है दोनों है ना, आपको 2 नंबर पक्के करके जाना है, इसीलिए दोनों याद करके आप जाना है ना। तो क्या है, पहला रस के अंदर हास्य रस, करुण रस। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, 2 चीजें आपको हैं, तो 4-5 चीजें लेके आपको याद करना, 2 चीजें, रोला और क्या है, सोठा है ना, आपको रोला और सोठा ये दोनों याद करना है। 11-13 पंक्ति है ना, कुछ होता है आपको याद, बहुत जरूरी है रोला और सोठा आपको याद करना। ठीक, वेरी मोस्टली। अब बात आती है तीसरा नंबर अलंकार है ना, अलंकार के अंदर क्या था, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो कुछ याद करने का तरीका था, अलंकार में आपको याद करने का तरीका जानते क्या है, उत्प्रेक्षा, कुछ सही से बोलिए, उत मतलब किसी चीज़ की संभावना की जा रही है, मतलब उत्प्रेक्षा हो रही है ना, कुछ आप बोलते हैं तो क्या होता है, आपको हिचकिची टाइप महसूस होते हैं, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे हिचकिच आने वाली है, मतलब संभावना है, तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना महसूस हो, मतलब आपको इसको याद करने में आसान होना चाहिए। ठीक, रूपा में क्या होता है, भेद रहित आरोप होता है, तो ये सब का आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आपको ये सब याद करना है। ये तो ना जान जाइए कि कितने नंबर का है, 2, 2, 4, 2, 6 कुल मिला के 6 नंबर ये पक्के, 6 बगल वाला पक्का। ठीक, कितना हुआ अभी ले, 12 नंबर आपका पक्का है ना। तो क्या मैंने बताया, रस छंद अलंकार, कौन सा रस है, हास रस, करुण रस, रोला सोठा है ना, उत्प्रेक्षा, रूपक, 4 चीजें आप, 6 चीजें आपको याद करना है, 6 नंबर पक्के। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, निबंध याद करना, जो कि आपका 10 नंबर का आता है, इसके बाद आपको 6 नंबर का, और मतलब 16 और 6 18 20 30 नंबर आपके
पक्के, हाँ जी आपने सही सुना, 30 नंबर आपके पक्के। बट वीडियो हटाना नहीं, पूरा देखिए। आप करना क्या, निबंध कैसे याद करें, तुमको दिक्कत होती है निबंध याद कैसे करें। देखिए कुछ करना नहीं, आपके सामने सब कुछ रखा है, प्रूफ, लाइव प्रूफ लिखा क्या है। सबसे पहले आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मतलब आपको निबंध तो बहुत लिखा है, क्वेश्चन मैम कहाँ से याद करोगे, कितना याद करोगे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देखो सटीक से प्रदूषण की समस्या और समाधान, मतलब समस्या और समाधान याद करना है, और या फिर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, दो अगर दोनों में से एक ही चीज है, एक हेडिंग याद करते हो एक के ऊपर याद करते हो तो दोनों में आपका लिख जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है वृक्षारोपण का महत्व क्या होता है। वृक्षारोपण आप थोड़ा सा याद करके जाइए, क्योंकि वृक्षारोपण पर आप बना सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण जो है उसको आपको पूरा याद करना चाहिए, 10 नंबर का, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग डालना होगा प्रस्तावना, उससे अच्छी कोई रिलेटेड चीजें लिखना होगा, फिर लिखना होगा वृक्ष का रोपण से क्या अर्थ है, ये सब लिखकर आपको अच्छे से कॉपी में भरना, नीली बाल पेन लेके जाना है ना, हमने बता रखा है वीडियो में, अच्छे से आप पेन वगैरह सब कुछ तैयारी बना। फिर इसके बाद क्या था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये तो बहुत ही फन नंबर में आता है, इसीलिए संस्कृत में बहुत कुछ लिखा है मैंने, सब पर नहीं बोला, एक को बोला इसी बोला, इसलिए 6 नंबर का पक्का। हाँ जी आपने सही सुना, 6 नंबर पक्का। अगर करना क्या है, इसको याद करके जाते हो इतनी चीजें जो मैंने बता दिया, तो आप पास तो अच्छे से अच्छे हो। थोड़ा मोरा और तैयारी कर लोगे, जो मैंने बता रखी वीडियो में, आप देखोगे मेरे चैनल में मिल जाएगा। अगर आप इतने तैयारी करके जाते हो तो अच्छे से अच्छे 90-95 नंबर लाओगे मेरे दोस्त, ये मेरा कहना वादा है। अगर आप लोग का जीवन परिचय आता है तो आप कमेंट में लिखकर बोल दीजिए कि हाँ मुझे जीवन परिचय इतना आता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना।